इंस्टाग्राम पर आप दो तरीके से ब्लूटूथ ले सकते हैं या फिर ब्लूटूथ लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, एक तो फ्री वाला मेथड है, दूसरा पेड वाला है। तो गाइज अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो गाइज आप लोग आराम से परचेज कर सकते हैं ब्लूटूथ, बट जो लोग के पास पैसे नहीं है मेरी तरह, वो लोग फ्री वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है उनको ब्लूटूथ दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों मेथड दिखाने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को पेड वाला मेथड दिखाने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फ्री वाला मेथड दिखाने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो मैं ऑन कर लूँगा। तो यार फाइनली मेरा मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर तो ऑन चुका है। ये जो मेथड है ये तो पेड वाला है, जिनके पास पैसे ज़्यादा है वो लोग पेड ब्लूटूथ कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इंस्टाग्राम की जो ऐप है ये आप लोगों को ओपन कर दिए। तो गाइज इंस्टाग्राम की ऐप ओपन होने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ अपना इंस्टाग्राम वगैरह लॉगिन करना है, जो आप लोगों को आता ही होगा। एंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे प्रोफाइल आइकन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को बताएगा 3 डॉट्स या फिर 3 लाइन्स, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड आप लोग नीचे देख सकते हैं मेटा वेरीफाइड करके एक ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी है, आपको जैसे आप इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन तो आ चुके हैं। अकाउंट सेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग ये मेटा अकाउंट सेंटर के अंदर ले जाएगा। फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे मेटा वेरीफाइड। तो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉट सब्सक्राइबर एंड मेटा वेरीफाइड अवेलेबल, यानी कि इस अकाउंट पर तो मेटा वेरीफाइड तो अवेलेबल है। अगर आप लोगों को परचेज करना है इसके लिए आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप लोग यहां देख सकते हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो इसमें आपके यूज़र नेम के साथ ब्लूटिक लग जाएगी, दूसरा आपको ये और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे आपके अकाउंट के लिए। सपोर्ट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम के अंदर आप लोग आराम से उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यूनिक स्टिकर्स, चलो ठीक है आप लोगों को डायरेक्ट सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है। सब्सक्राइब पे टैप करने के बाद फिर आप लोगों को वही पेज देखने को दोबारा मिलेगा कि इस तरह आप लोगों को 699 रुपये आप लोगों को पर मंथ, यानी कि यह आप लोगों को मंथली पेमेंट आप लोगों को इनको देना है 699 रुपये। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को पे नाउ पे टैप करना है। तो गाइस जैसे आप पे नाउ पे टैप करोगे ये कुछ लोड लेगा, ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा प्ले स्टोर के अंदर। तो गाइस प्ले स्टोर के अंदर ले जाने के बाद आप लोग यहां देख सकते हैं सिंपली आप लोगों को यहां एक तो आप लोग यहां डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, दूसरा अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है वो भी आप लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं, तीसरा रिडीम कोड। बट सिंपली आप लोगों को यहाँ कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज़ करना है और आप लोगों को कंटिन्यू पे टैप करना है जब तक आपके अकाउंट में पैसे कट नहीं होंगे, तब तक आपको ब्लूटिक नहीं मिलेगा। पैसे कट होने के बाद फिर आप लोगों को कुछ टाइम वेट करना है, 1 या 2 घंटे, उसके बाद आपके प्रोफाइल पर भी ब्लूटिक लग जाएगा। बट मुझे ये पेड़ वाला नहीं चाहिए, बट यार मुझे तो ये पेड़ वाला नहीं चाहिए, मैं खुद मेहनत करूँगा और खुद फ्री में लाऊंगा। अब बात करेंगे फ्री वाला मेथड हम कैसे यूज़ करें। तो गाइज इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जो इंस्टाग्राम की ऐप है आप लोगों को ओपन करनी है। उसी तरह इंस्टाग्राम जब आप ओपन कर लोगे, ये तो फ्री वाला है, जिनके पास पैसे है वो लोग पेड़ आराम से खरीद सकते हैं। इंस्टाग्राम ऐप ओपन होने के बाद सिंपली आपको वही अकाउंट लॉग इन करना है जिस पर आपको ब्लूटूथ चाहिए। इसके लिए आप लोगों को 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स से ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को यहां दिखेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स। तो गाइस आप लोगों को ये इसी पेज के अंदर आना है। तो दोस्तों याद रखने वाली बात तो यह है, सबसे पहले जो आप लोगों को काम करना है, एक काम करना है कि अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो गाइस आप लोगों को इसको अनप्राइवेट करना है, यानी कि पब्लिक पर सेट करना है। इतना काम करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोगों को रिक्वेस्ट टू वेरिफिकेशन पे ऊपर क्लिक करना है। ये कुछ लोडिंग लगेगा, जस्ट आपको वेट करना है। अब आप लोगों को ये फॉर्म अच्छे तरह से फिल करना होगा, तब जाके आपको ब्लूटिक मिल जाएगा, वो भी फ्री में। देखो इसने यूज़र नेम तो ऑलरेडी सेट किया है, डे किया है। अब आप लोगों को यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पर आप लोगों को वही फुल नेम एंटर करना है जो आपके गवर्नमेंट आईडी के ऊपर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर आप लोगों को
बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप लोग डाल सकते हैं, पासपोर्ट है या फिर नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो भी आप लोग आराम से दे सकते हैं, नो टेंशन। तो गाइज़ अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर तो आधार कार्ड वगैरह तो नहीं है, तो गाइज़ जो ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसमें तो आधार कार्ड भी आता है, आप लोग यही वाला सिलेक्ट करना। अगर आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस देना, उसके बाद सिंपली आपको एंड फाइल पर टैप करना है और आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को कुछ इस प्रकार से फ़ोटो उठाना है, क्लिक करना है टेक या फ़ोटो एंड आप लोगों को यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है, न्यूज़ मीडिया स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स म्यूज़िक से रिलेटेड, अगर आप लोग म्यूज़िक से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं तो आप लोग को म्यूज़िक यानी कि यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, कुछ अदर हो तो अदर सेलेक्ट करो। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपकी कंट्री क्या है, पाकिस्तान से हो बांग्लादेश से हो अपने हिसाब से वो कंट्री आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते, इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करो। और रही बात ऑडियंस की, ये तो ऑप्शनल है, अगर आप लोग यहाँ अपने बारे में लिखना चाहते हैं वो तो आप लिख सकते हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद आल्सो नोन एज ये भी ऑप्शनल है, बट अगर आप लोगों को यहाँ इसमें कुछ डालना है यहाँ पर आप लोगों को अपना जो स्टेज नेम है, जो आपका स्टेज नेम है इससे यानी कि लोग आपको किस नाम से जाना चाहते हैं वही स्टेज नेम को यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो लिंक से ये भी ऑप्शनल है, बट अगर आप लोग यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स वगैरह दोगे मैं आपको बताऊँगा आर्टिकल्स क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को होम स्क्रीन पे आना है एंड आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और आप लोगों को सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लोगों को अपना जो नाम है वो आप लोगों को सर्च करना है। देखो मैंने यहाँ पर अपना जो नाम है वो मैंने सर्च कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे आर्टिकल्स मेरे नाम पर पब्लिश्ड है। देखो आर्टिकल्स आप लोग न्यूज़ आर्टिकल्स आपको कहाँ मिलेंगे, देखो आप लोगों को यहाँ दिखेगा एक न्यूज़ वाला फील्ड, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आप लोगों को इसी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। आर्टिकल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हैं लिंक यूआरएल, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको कॉपी करना है, देन फिर आप लोगों को इन्हीं जो ये लिंक है यहाँ पर आप लोगों को न्यूज़ आर्टिकल सेलेक्ट करना है एंड आप लोगों को यहाँ पेस्ट करना है यूआरएल। हाँ, उसके बाद जो दूसरी लिंक है इसमें भी आप लोग या तो इसमें आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को फेसबुक डालना है इसके लिए आप लोगों को सोशल मीडिया एंटर करना है एंड आप लोगों को फेसबुक की ऐप ओपन करनी है, यहाँ पर आप लोगों को वही अकाउंट लॉगिन करना है जिस पर आपको ये ब्लू टिक चाहिए, सॉरी जिस यहाँ पर आप लोगों को मेन फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा थ्री डॉट्स, प्रोफाइल के अंदर आने के बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा थ्री डॉट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कॉपी यूआरएल, कॉपी करने के बाद सिंपल को इसमें डालना है। इसी तरह आप लोगों को तकरीबन पाँच लिंक डालनी है वो भी सोशल मीडिया या न्यूज़ आर्टिकल की। तो दोस्तों यही था वो कुछ मेथड, फ्री वाला मेथड जिसके ज़रिए आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लगा सकते हैं या फिर ब्लू टिक ला सकते हैं वो भी इसी तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम टारगेट हम रखते हैं, सिर्फ 100 लाइक्स कंप्लीट करा दो उसके बाद मैं फुली तरीके से मोटिवेट हो जाऊंगा और भी नए नए ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को दो मेथड दिखाया होगा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा तो लगे आप लोग पेड़ वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गाइज आप लोग आराम से फ्री वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।